तो दोस्तों, ऋग्वेद में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में एक यूनानी कामयाब नुस्खा जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसे बड़े आराम से हर कोई अपने घर पे तैयार कर सकता है। ये नुस्खा आर्थराइटिस, साइटिका, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, पूरे शरीर की अकड़न और घुटनों का दर्द, इन सब के ऊपर ये लाभ पहुंचाएगा। मैं नुस्खा पहले आपको बोल के बताता हूँ, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं और लिख दूँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। हाँ, काली हरड़, छोटी काली हरड़ के छिलके 50 ग्राम, मीठी सुरंजान 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, एलुआ 50 ग्राम, इंद्रायन की जड़ का पाउडर या इंद्रायन की जड़ 50 ग्राम, बस इतने ही चीज़ें हैं। मैं एक बार और बोल देता हूँ, काली हरड़ का छिलका 50 ग्राम, मीठी सुरंजान 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, एलुआ 50 ग्राम, इंद्रायन जड़ 50 ग्राम, ये सबको कूट पीट के और आटे की छलनी में इसको छान लें, और छानने के बाद में या तो शहद डाल के थोड़ा इसको गोली बनाने लायक करें। चना जो होता है, बड़ा वाला चना या छोटा चना जो भी है, चने के बराबर गोलियां आप बांध लें और सुखाने के बाद उसको अपने कांच की शीशी में रख लें। अब इसका प्रयोग का जो तरीका है बहुत सरल है। पहले दिन रात के समय सोते वक्त दो गोली लेनी है और ऊपर दूध पीना है, इससे दस्त खुल के आएगा, कोई घबराने की बात नहीं। उसके बाद रोज सुबह नाश्ते के बाद एक गोली ऊपर दूध पिए और रात को सोते वक्त एक गोली ऊपर दूध पिए, यानी कि रोज की सुबह शाम की, सुबह रात की गोली, ये कंटिन्यू आप एक दो महीना लें, लंबे समय तक लें तो घुटना का, कमर का, साइटिका, ये सब निरोग होंगे और इस नुस्खे का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपको घर पे तैयार करें ये चीज़ें ला करके, और आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, यानी कि शरीर में जहाँ भी दर्द है सिर दर्द के अलावा, उन सब दर्दों को ठीक करने के लिए सुरंजान और सौंठ और इंद्रायन की जड़ ये है, और पेट को साफ करने के लिए काली हरड़ यानी कि छोटी हरड़ का छिलका
ताकि पेट के अंदर म्यूकस इकट्ठा न हो, उसको बाहर निकालेगा। और एलुआ, एलुआ भी एलोवेरा से बना है, ये भी पेट को साफ करता है लेकिन कोई हानि नहीं करता। तो इस तरह से पेट का रोज शुद्धिकरण होते हुए ये दवा आप 2 महीना ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ये यूनानी नुस्खा है।